अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये पानी का शोर और उसके ये नज़ारे देख के खौफ आ रहा है मुझे। ये बड़े बड़े डैम के गेट है भाई, ये वो नौजवान को देखिए भाई, डैम की पानी की तरफ चले गए। यहाँ पे पानी बहुत गहरा है, डैम का गेट, वहाँ से पानी निकल रहा है, देखिए यहाँ तक आ रहा है। बहुत ठंडा पानी है भाई। सुबह जब आप लोग उठे तो इस तरीके का मौसम देखने को मिला तो क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम, अभी हम लोग जाने लगे हैं तरबेला डैम। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया कि मैं नहीं गया, 2020 से 2021 में मैं गया था और अभी 2024 है। तो आज संडे है, दोस्तों ने प्लान बनाया हुआ है कि सारे चलते हैं और तरबेला डैम देखते हैं और मज़े करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। अगर आप लोग पिंडी, इस्लामाबाद वगैरह या पेशावर में रहते तो आपको ज़रूर तरबेला डैम का विज़िट करना चाहिए। एक बहुत खूबसूरत जगह है, ठंडी जगह है, घूमने के काबिल है। और आजकल तो हर तरफ बारिशें भी हो रही, तो देखेंगे कि भाई पानी में कोई इजाफा हुआ है या नहीं, क्या सीन है क्या नहीं, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो व्लॉग को आपने एंड तक जरूर वॉच करना है। और जो लोग चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से तैयार होते हैं और निकलते हैं। ये वाला फ़ोन मैंने चार्ज पर लगाया, तो इसको ऐसे ही उठा लेंगे और इसको नीचे चार्ज पर लगा लेंगे, डोर कर देंगे क्लोज। आप क्या कर रहे हैं, बच्चों से आया होगा। हर तरफ तो मानसून की बारिशें है ही है, लेकिन यहाँ भी बारिश ने स्पीड पकड़ ली है। और जैसे ही हमने सोचा कि चलते तरबेला डैम, तो ये देखिए डैम यहाँ पे आ गया है भाई, गली फुल भरी हुई है पानी से। पागल आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन हमारे जैसे पागल आपने बहुत कम ही देखे होंगे, क्योंकि अच्छी खासी बारिश हो रही है और हम निकल पड़े तरबेला डैम के लिए। और मैं अगर आपको रास्ते का बताऊँ तो 1 से 2 घंटे का रास्ता है, बल्कि 1.5 से 2 घंटे का। ठीक है, तो ये अच्छा खासा सफ़र है। और हमने फैसला ये किया कि हम बाइकों पे जाएँ, क्योंकि हम 7 से 8 नौजवान हैं, तो हम एक गाड़ी में तो आने से रहे, तो 2 गाड़ियाँ लेके जाने से अच्छा है कि हम सब अपने अपने बाइकों के ऊपर बैठ जाए। तो हम दो जने जो है वो बाइक्स पे जा रहे हैं, और ये देखें हमारे दोस्त पीछे आ रहे हैं। और भाई अभी अच्छी खासी बारिश हो रही है, हम पूरे भीग गए हैं। और तरबेला डैम में मेरा एक दोस्त काम करता था, उसको मैंने कॉल किया, वो कह रहे कि यहाँ पर हल्की हल्की बारिश इतनी नहीं है। तो बस उसने कहा कि जाना ही है, और तकरीबन 1 घंटे का सफ़र हम लोगों ने कर लिया है और अब तकरीबन 30 से 40 मिनट का रास्ता बाकी। अच्छा, जो लोग तरबेला डैम आने का ख्वाहिश रखते हैं तो उनको थोड़ा सा रास्ता समझा रहता हूँ। ठीक है, आप लाहौर से आ रहे हो, पिंडी से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, जिधर से आप मर्जी आ रहे हो, सबसे पहले आपको आना पड़ेगा सवाबी। ठीक है, अंबार इंटरचेंज से जब आप लोग आगे आएंगे सवाबी की तरफ, तो एक रास्ता मुड़ेगा, ठीक है, टोपी की तरफ। आपने किसी से पूछ लेना कि भाई टोपी का रास्ता कौन सा है, आपको कोई भी बता देगा। गूगल मैप के ऊपर भी आसानी से आ जाता है, आप मैप के ऊपर भी सर्च कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले टोपी आना पड़ेगा। टोपी एक अच्छा खासा बड़ा इलाका है, और ये एक इलाके का नाम है। टोपी अजीब सा है, लेकिन बस अब लोगों ने रखा है तो क्या कह सकते हैं। टोपी में आप लोग आएंगे और किसी से भी पूछेंगे कि तरबेला डैम, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लोग कहेंगे कि भाई आप डैम मत जाओ, रास्ता बंद है, नहीं छोड़ते, तो उनकी बात ठीक भी है। जो मेन डैम है ना, वहाँ की एक्सेस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त वगैरह या कोई रिश्तेदार या कोई जानने वाला वहाँ पर काम करता है, फिर तो बेस्ट है, आपको डैम के अंदर तक जाने दे देंगे, हर चीज़ आप अच्छे से देख लोगे। अदरवाइज़ आम लोग भी जा सकते हैं, लेकिन एक पास बनाना पड़ता है, उसके लिए अप्लाई करनी पड़ती है, शायद ऑनलाइन है या जैसे भी, उसका तरीक़ार मुझे नहीं पता। वो फिर अप्रूव होता है नहीं होता है, आपके पास कोई अच्छा खासा रीज़न होना चाहिए कि भाई मैंने डैम क्यों विज़िट करना है, तो फिर ही आपको इजाज़त देते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अब हम जिधर जा रहे हैं, तरबेला डैम का ही पानी है, वहाँ से पानी निकलता है तरबेला डैम से, और यानी कि आप ये कह लो कि डैम ही है। ठीक है, डैम के गेट शेट हर चीज़ नज़र आ रही है, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो, और सेम ही है भाई। टोपी का बाज़ार, टोपी सवाबी टोपी के लोग कबाब ले जाते हैं अपने साथ, और ये आम उठा लिए भाई, पानी में इसको ठंडा करेंगे और फिर खाएंगे। दोस्तों ने ये फैसला किया कि भाई ये कबाब शबाब ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि मौसम ठंडा है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि ये ठंडे हो जाए, तो इस व्यू के सामने बैठ के इसको खा लेते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये इस साइड पे ये नज़ारे देखिए भाई, और बाइक ही देखिए क्या हालत हो गई है। ये देखिए भाई, सारा डैम इस साइड पर है, लेकिन इस साइड पर कुछ दिख ही नहीं रहा, ये है ना, ये है, तो इस साइड पर कुछ नहीं दिख रहा, ये सारा डैम है।
ये देखिए अस्तग़फ़िरुल्लाह, खुदा ना खौफ़ अगर इसमें कोई गिर जाए ना तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इतना शोर और इतना प्रेशर है इस पानी का। ब्रिज है इस पे, लोग उस साइड पे जाते हैं, अभी हम लोग कोशिश करते हैं। वहाँ पे अभी हम लोग जाने लगे हैं नीचे, वहाँ पे उस एरिया पे, वहाँ पे लोग ऑलरेडी है, तो अभी इस ब्रिज को क्रॉस करके उस साइड पे चलते हैं। अच्छा, ये अब हम लोग दूसरी साइड पे आ गए जहाँ से डैम का पानी निकलता है। यहाँ पे काफ़ी आवाम आई हुई है, भी जाके देखते हैं कि भाई क्या नज़ारे हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। वो नौजवान को देखिए भाई डैम की पानी की तरफ चले गए, यहाँ पे पानी बहुत गहरा है। है डैम का गेट, वहाँ से पानी निकल रहा है, देखिए यहाँ तक आ रहे हैं। बहुत ठंडा पानी है भाई, और क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं, आवाम आई हुई अच्छी खासी। देखिए मैंगो अपने साथ लेके आए हैं, यहाँ पे पानी में रख के इसको ठंडा कर देते हैं भाई, डुबकी लगाता है इस पानी में, ठंडा या कंगर पानी है, बर्फ से भी ठंडा, इसमें डुबकी लगाते हैं अब। अच्छा, हिम्मत करके मैं तरबेला के डैम में थोड़ा सा मैं ये आगे चला गया, आसपास आप लोगों को कोई नहीं दिख रहा, सारी आवाम इससे पीछे नहा रही, लेकिन मुझे चूँकि तैरना आता है और अच्छी तरीके से, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे चला गया। अब इससे आगे इसीलिए नहीं जाए कि भाई ये पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो ये मुझे अपने साथ बहा के बहुत आगे तक लेके चली जाएगी, ठीक है। फिर वो कैसे एरिया है कैसे नहीं है आई डोंट नो, तो ज़्यादा रस्में लूँगा नहीं, बस यहाँ पे मैंने डुबकी लगा ली, ठीक है। यहाँ पे तीन तीन चार चार फीट तक पानी है और बहुत ठंडा पानी है, एक डुबकी लगा के ना मज़ा ही आ गया, मैं कहता हूँ। मैंने तो भाई नहा लिया, अच्छा खासा ठंडा पानी, हमारे दो तीन नौजवान वो आ गए वहाँ पे नहा रहे हैं, और ये दो नौजवान नहीं जा रहे, बोल रहे कि भाई बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ठंडा है। दोस्त हमारे सारे ठंडे हो गए हैं, अभी पानी में बैठ के इसको खाएँगे भाई, इसका एक अलग ही मज़ा आएगा। मैंगो पार्टी करने के बाद अभी हम लोग डैम के दूसरे साइड पे आ गए। यहाँ पे तो जहाँ तक नज़र जा रही है भाई पानी ही पानी दिख रहा है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये मेन डैम है तो आप गलत है, ये डैम से पानी निकल रही है सिर्फ वो पानी है, डैम आगे है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना पानी है तो भाई डैम की जो पानी की सिचुएशन है वो कैसी होगी, वो तो भाई बस फिर क्या ही कहे। कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में डैम का भी आप लोगों को विज़िट करवाए। इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।